और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दुनिया भर में खौफ का कारण बने इबोला की। जानलेवा इबोला वायरस से प्रभावित देशों में रहने वाले भारतीयों के लौटने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। पहली खेप में 6 भारतीय लाइबेरिया से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे। फ्लाइट से उतरते ही सभी 6 यात्रियों को क्वारंटाइन जोन में ले जाया गया और वहां से सीधे राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल में इन यात्रियों की पूरी जांच पड़ताल की जाएगी कि ये लोग इबोला से प्रभावित हैं या नहीं। अगर किसी भी शख्स में इबोला के लक्षण मिले तो उसका इलाज किया जाएगा। जो जानकारी है उसके मुताबिक लाइबेरिया से 100 से ज्यादा भारतीय दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। इबोला वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए इन यात्रियों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर खासे इंतजाम किए गए हैं। इबोला प्रभावित देशों से लौट रहे लोगों के लिए एयरपोर्ट पर 4 इमिग्रेशन काउंटर्स बनाए गए हैं। काउंटर्स पर थर्मल स्कैनर्स लगाए गए हैं। स्कैनर के जरिए लोगों के शरीर के तापमान को नापा जा रहा है और अगर किसी यात्री में इसके लक्षण पाए गए तो उन्हें सीधे RML अस्पताल ले जाया जाएगा, यानी कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल जहां ले जाया जा रहा है जाएगा। जो और बाकी यहां पर इसके पेशेंट्स अगर कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, जांच के बाद जो यात्री स्वस्थ पाए गए जाएंगे उन्हें इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस के लिए भेज दिया जाएगा और अगर किसी यात्री में इसके लक्षण पाए गए तो सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा। और किस तरह के जो इंतजाम है वो एयरपोर्ट पर किए गए हैं ये हम यहाँ पर आपको बता रहे थे, लेकिन इसे और थोड़ा सा विस्तार से समझने के लिए इस वक्त मेरी सहयोगी मीनाक्षी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी, क्या कुछ आप इस वक्त वहां पर देख पा रही हैं, थोड़ा और विस्तार से अगर हमारे दर्शकों तक आप बता पाए। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पे काफ़ी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा। स्क्रीनिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, आपने अभी बोला ही था कि 100 से ज़्यादा भारतीयों जो लाइबेरिया से हैं वो आज दिल्ली और मुंबई आने वाले हैं, तो उनकी आज स्क्रीनिंग और उनकी चेकिंग के लिए काफ़ी पुख्ता इंतजाम करे गए हैं। उन सारे पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग होगी। सुबह से हमें पता चला है कि दिल्ली एयरपोर्ट में 2 फ्लाइट लैंड हो चुकी हैं, उनमें से 3 पैसेंजर दोनों फ्लाइट में से उन्हें सस्पेक्ट पाया गया है और उनको आइसोलेशन वार्ड में ले जाया गया है। यहाँ पे एक थर्मल वो चेक है जहाँ से उनका तापमान मापा जा रहा है। जिसको भी हल्का सा भी बुखार है या कोई हल्का सा भी सिम्टम दिखा रहा है तो उन्हें फटाफट आइसोलेशन वार्ड में ले जाया गया है। अगर आप देखें जो अभी हमारे पास विजुअल्स आए हैं, उन्हें आप देखिए ऊपर से नीचे तक एक प्रोटेक्टिव गियर पहना हुआ है और जिसका भी जरा सा भी सस्पेक्ट है उनको बिल्कुल आइसोलेट अभी के अभी करा जा रहा है। तो मीनाक्षी, अभी तक क्या पता चल पाया है, कितने केस ऐसे जो पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या इस बाबत कोई जानकारी आप तक मिल पाई है जिन्हें अस्पताल भेजा गया हो? जी, अभी तक इबोला का एक भी केस इंडिया में पॉजिटिव नहीं पाया गया है, इसीलिए हेल्थ मिनिस्ट्री बार बार कह रही है कि इसमें डरने की अभी कोई बात नहीं है, लेकिन ये स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है क्योंकि इबोला एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। पूरी दुनिया में अगर बात करी जाए एक साल के अंदर अंदर कुछ 2300 से ऊपर लोग इससे प्रभावित हुए हैं और 1500 से 1600 की मौत हो चुकी है। ये डिजीज काफी फेटल है, इसीलिए इस डिजीज का काफी खतरा है और इस डिजीज से काफी लोगों में खौफ और डर बना हुआ है। पर अगर हम भारत की बात करें, भारत एक भी केस पॉजिटिव अभी तक नहीं पाया गया है, लेकिन आज जैसे 100 से ऊपर लाइबेरिया से ही लोग आ रहे हैं, भारतीय यहां आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जा रही है, उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है, ये ध्यान रखा जा रहा है कि वो नॉर्मल लोगों से मिक्स ना करें। जिन 6 लोगों का जरा सा भी सस्पेक्ट है उन्हें अभी एक महिपालपुर के आइसोलेशन सेंटर ले जाया गया है जहां से उन्हें RML हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। इनके जो ब्लड टेस्ट हैं वो पुणे के एक इंस्टीट्यूट में भेजे जाएंगे। 48 आवर्स में पता चल पाएगा कि ये इबोला इन्हें है या नहीं। बिल्कुल, तो ये एक राहत की बात है जो मीनाक्षी इस वक्त हम तक पहुंचा रही हैं। शुक्रिया करेंगे मीनाक्षी प्रति का इस तमाम जानकारी के लिए।